में बात करेंगे। राजनांदगांव जिले के लालबाग थाना इलाके में पुलिस ने फर्जी नक्सली बनकर दहशत फैलाने वाले तीन आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस की गिरफ्त में आए आरोपियों ने बीते 15 अगस्त को राष्ट्रीय ध्वज नहीं फहराने की धमकी दी थी। घटना में एक महिला ने पति को सबक सिखाने को लेकर यह साजिश रची थी। बीते 24 जुलाई की रात लालबाग थाने की पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी कि ग्राम कविराज टोला गांव में एक कार के भीतर नक्सली पंपलेट और नक्सली सामग्रियां रखी हुई हैं और इस पूरे मामले की जांच के लिए गठित टीम भी की गई थी। विशेष टीम की जानकारी पर ज्ञान चंदानी का अपनी पत्नी के साथ विवाद चल रहा था, जो किसी अन्य व्यक्ति के साथ पेंगी अचल आवास में रह रही है। और इसी बीच पुलिस को जानकारी हाथ लगे कि पवन ज्ञान चंदानी की पत्नी का पुरुष मित्र है, जो इन तीनों मामले में पुलिस को सबसे पहले सूचना जिसने दी थी। क्योंकि पवन ज्ञान चंदानी की कार में जो पंपलेट और वायर मिले थे, कहीं ऐसा इसका कोई कनेक्शन तो नहीं इस आधार पर जो हम लगातार ये नक्सल सेल और थाना प्रभारी लालबाग इस पर काम करते रहे और बाद में जो कंक्लूड हुआ उसके अनुसार पवन ज्ञान चंदानी एक महिला मित्र है थाना डोंगर गांव के अर्जुनी के पास में और उससे मिलने जाते थे। उसका पारिवारिक जीवन शायद कुछ सामान्य सा नहीं था और इस वजह से उसने एक प्लान किया कि उसके घर वाले डर जाएं या क्षेत्र में दहशत हो जाए कि यहाँ भी माओवादियों की दस्तक हो गई है।